All right, guys, we are getting close to this white temple. चक्कर ले रहा मेरे से? अबे तेरे से ज्यादा अच्छा मैं लग रहा हूँ। Probably you've seen any architecture. हमारे घरों में तो एक शीशा लगा होता है जिसमें मुंह देख देख के हम लोग थक जाते हैं। Assalamualaikum, खवातीन हज़रात, very very good morning from halfway actually Changmai Chiang Rai. उससे पहले मैं वहाँ पहुँचूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ जो चांगमाई का सबसे पहला स्टॉप हमारा होगा वो व्हाइट टेम्पल। व्हाइट टेम्पल वो हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले जाके। व्हाइट टेम्पल को 1997 में दिखाया गया, ओपन किया गया, उसको बनाया था चांगमाई कोस्ट, थाइम कोस्ट ने। इनका नाम मैंने अगर सही प्रोनाउंस नहीं किया है तो नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, हमारे एडिटर साहब लिख देते हैं। तो वो जनाब उन्होंने उसको डिज़ाइन किया था और वो ही एक्चुअली ओन्स दैट आर्किटेक्चर। और वहाँ में बहुत बड़ी तादाद लोगों की जाती है, ये स्टेट ऑफ आर्ट है। आर्किटेक्चर जो है अपनी नौयत का वह बहुत मुनफरद है। इसकी तस्वीरें बेशुमार इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप भी दे सकते हैं। अभी आप जाके मेरी वीडियोज़ में उसको देखेंगे। इसके अलावा और बहुत कुछ है चांगमाई में, आप साथ जुड़े रहिएगा। देखिए आप कुछ आप भी कर सकते हैं, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, हमारी टीम के लिए कुछ कर सकते हैं। वो ये कि आप इन वीडियोस को फॉरवर्ड करें, शेयर, जिस भी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब का चैनल हो चाहे हमारा फेसबुक का चैनल हो, कहीं से भी आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। और सबसे अहम चीज़ जो है वो इसको कमेंट्स ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को फेसबुक और यूट्यूब के। और इसके अलावा इसको आपने कमेंट्स ज़रूर देना ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे कि हम कहाँ कमी कोताही कर रहे हैं और कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं ताकि इसको और बेहतर बना सकें। सी यू वेरी सून एट व्हाइट टेम्पल। इस वक्त हम लोग रास्ते में चांगमाई जा रहे हैं। चांगमाई के रास्ते में छोटा सा स्टॉप ओवर लिया है, यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह से फारिग हो जाएं और जो सहूलियात हैं उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें। ये है छोटा सा शॉपिंग एरिया। इसके अलावा आप यहाँ पे खा पी भी सकते हैं और टॉयलेट, दैट्स व्हाट आई शो यू टुडे। ये है टॉयलेट, यहाँ पे सिर्फ 5 baht आपने देने हैं और अंदर जाना है। इसका मैं मकसद बयान कर दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन ये 5 baht आप देंगे। फीमेल टॉयलेट इस तरफ है और मेल टॉयलेट जो है वो इस तरफ है। मैं मेल टॉयलेट की वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि इससे हम कुछ सबक सीखें। यहाँ पे ज़्यादातर पैरोकार बुद्ध मत के हैं। हमारे इस्लाम में सिखाया जाता है कि सफाई निसफ ईमान है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस्लाम में क्या सिखाया जाता है और हम क्या कुछ नहीं कर रहे। ये लीजिए, ये देखिए साफ सुथरा सिंक है, साबुन भी मुहैया है। ये देखिए जनाब फ्लोर कितना साफ सुथरा है। ये देखिए जी पाकिस्तानी स्टाइल के टॉयलेट्स भी हैं। ये देखिए थोड़ा सा ऊंचा है ज़मीन से। अगर आप पाकिस्तान के टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि थोड़ा सा ऊंचा क्यों होना चाहिए इसे। आप सोच रहे हैं इस वीडियो में मैं टॉयलेट कहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि हमारी कौम को सीखने की ज़रूरत है। बुनियादी मकसद, बल्कि समझाने का बुनियादी मकसद यही है कि जनाब ये छोटे छोटे काम अगर किए जाएँ हमारे देश में तो हम अपने मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पर ला सकते हैं, लोग इन्जॉय करें, हमारे लोकल लोग। सोचें आप, इस यकीन कीजिए आप कितना इन्जॉय करेंगे ऐसे टॉयलेट्स में दाखिल होकर। बनिस्बत मैं अगर मेरे एडिटर पाकिस्तानी टॉयलेट्स की वीडियो भी डाल सकें तो आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। दिस इज़ क्रेजी, बहुत ही शानदार इंतज़ाम है। आपको फिर सफ़र करने का भी मज़ा आता है। और ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे रास्ते में जगह जगह आपको टॉयलेट्स मिलेंगे और इसी तरह सफाई सुथराई का इंतज़ाम होगा। चलिए सफ़र जारी रखते हैं, आपसे मुलाकात होती रहेगी। All right guys, we are getting close to this white temple. किसी भी वक्त उल्टे हाथ पे आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे भी आके दिखाता हूँ, ये अंदर से भी। That's where 100 baht each. So there are 2 people, so I'm paying 200 baht. Thank you. There you go. So I got 2 tickets. You can see for the temple, white temple. There we go. All right. Thank you. Come and come. This colorful fish in this pond. Recycle ho raha hai pani. There's many fish there. Oh, look at that, red, orange, yellow, white. I thought it was going to be only white, but no. This is thousands and thousands of different small pieces of mirrors. Yeah, temple.
तो ये अंदर जाके वर्शिप होती है, यहाँ पे इबादत होती है इनकी बुद्धिस्ट की। वो जस्ट वॉच इट फ्रॉम आउटसाइड। ये देखें कैमरा अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, नो वीडियो रिकॉर्डिंग्स नथिंग, सम वी कैन नॉट वीडियो रिकॉर्ड दिस एरिया बट वी विल जस्ट स्टे हियर एंड वी विल गो बैक फ्रॉम हियर। हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये आपसे वादा था हमारा कि हम आपको व्हाइट टेम्पल दिखाएंगे, जो हमने दिखा दिया आपको व्हाइट टेम्पल। अब अगर आप यहाँ आना चाहें तो ये चांग माई, बल्कि चांग राय का भी एयरपोर्ट है, लेकिन चांग माई का एयरपोर्ट आप सीधे बैंकॉक से यहाँ का सफ़र कर सकते हैं। मेरे से ज़्यादा ये टेम्पल दिखा दीजिए। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें मिरर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें वाइट आर्किटेक्चर तो है लेकिन इसमें मिरर्स का इस्तेमाल किया गया। यू कैन सी इट हियर, प्रोबेबली यू सीन एनी आर्किटेक्चर। हमारे घरों में तो एक शीशा लगा होता है जिसमें मुंह देख देख के हम लोग थक जाते हैं। छत देखिए ज़रा, ये मेटल है, कौन से किस्म है मेटल की आई एम नॉट श्योर, लेकिन दैट गिव्स अ लुक। सी द कॉम्बिनेशन, ग्लासेस, मिरर्स, फिर वाइट कलर, फिर दिस मेटल वाइट लुक मेटल। ये गोल्डन टेम्पल दिखाइए, सो ये जो हिस्सा इनका, शो देम द टेम्पल एंड देन द गार्डन एंड द लेक देयर। ऑलराइट, दिस इज अ केव। ये केव है जिसमें आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं और फिर यहाँ से बाहर आ पाते हैं। छोटे छोटे फॉल्स भी हैं इसमें। सो ये अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया देख के इसको। और आप भी अगर इधर आना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा चांग राय का इलाका है, चांग राय जैसे आप अंदर आते हैं तो शुरू में ये पड़ता है मेन रोड पे ही, और ये तकरीबन 3 घंटे चांग माई से एप के बराबर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है केव ऑफ आर्ट। तो आई थर्डली एग्री विद देम, ये आर्ट, ज़बरदस्त आर्ट का मंजर है यहाँ पे। आप देखें ये सारे जितने भी ये रॉक्स हैं, ये भी देखिए, ये भी जो है इसके अंदर पैसे भी पड़े हुए हैं। ये लग रहा है ये पाकिस्तानी मिनिस्टर लग रहा है, फुल ऑफ मनी मैच छुपा के रखा हुआ है मुँह के अंदर। बहरहाल ये देखें आप, इतनी गर्मी हो रही है, यकीन कर जी चाह रहा है कि इसके अंदर कूद पड़े, लेकिन ऑब्वियसली इजाज़त नहीं है। लेकिन या दिस इज स्टेट ऑफ आर्ट, सॉरी केव ऑफ आर्ट। ये देखिए आप अंदर ये केव में जो नज़र आएगा आपको, ये तो दिखाइएगा अंदर क्या होगा केव में। हम केव में तो नहीं जा रहे हैं इस वक्त क्योंकि इस वक्त छुट्टी में ये लोग 11:45 से 1 बजे तक। ये केव में आपको ये सब कुछ देखने को अंदर चीज़ें मिलती हैं, सो इट बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ये आपने देख लिया, अपनी राय में इजहार कीजिएगा कि कैसा लगा। आई थिंक फैबुलस, दिस इज़ ब्यूटीफुल, आई मीन आई एम एंजॉयिंग इट, आई मीन इट्स हॉट एंड एवरीथिंग बट यार दिस इज़ अमेजिंग। आप देखिए यार ये जो मिनी वाटरफॉल्स, इट्स मेकिंग द डे बेटर एक्चुअली फॉर मी। ये देखिए जनाब, मैं आपको एक चीज़ जो दिखा रहा हूँ आपको शायद चौंका दे ये चीज़। ये देखिए ये बुद्ध मज़हब है। सबसे पहले आप वज़ू करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ये देखें वज़ू मुँह में पानी डाला इसने वज़ू के लिए। इसके बाद फिर देखें अब नाक में पानी डाला, ठीक है, अब पूरा वज़ू इन्होंने नहीं दिखाया यहाँ, बस नाक और मुँह तक ही रहे हैं। उसके बाद जनाब तीसरा, अब उसके बाद दुआ कर रहा है, वज़ू के बाद जो दुआ होती है, नहीं फेस, सॉरी फेस वॉश कर रहा है, फेस भी दिखाया उन्होंने, फेस वॉश कर रहा है। सबसे पहले उसने मुँह धोया, कुल्ली की थी, उसके बाद नाक में पानी डाला और अब फेस, उसके बाद अजान, अजान दे रहा है। उसके बाद अजान के बाद क्या होती है, नमाज, बोलिए नमाज। उसके बाद अभी तक नमाज में, और नमाज के बाद क्या होती है, दुआ। नमाज के बाद दुआ का एहतमाम किया जाता है, ये लीजिए दुआ भी आ गई, और ये जोर की नमाज थी। तो उसके बाद क्या होता है, तहलूला। ये देखिए तहलूला। अब आप बताइए बुद्ध मत और इस्लाम में क्या फ़र्क है, कुछ नहीं। 19-20 का प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, तमाम मज़ाहब एक ही दर्ज देते हैं। और ये आज का पैगाम है इस वीडियो के ज़रिए, किसी को नीची नज़र से ना देखिए, चाहे आप बुद्धिस्ट हों चाहे आप मुसलमान हो, अपने मज़हब पे अमल करते रहिए। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि खुदा ताला खुद फैसला कर देगा, और खुदा ताला जब फैसला करेगा तो ज़्यादा पायदार फैसला होगा बनिस्बत इंसानों के फैसले के। इन्जॉय दिस वीडियो, थैंक यू। Thousands and thousands of different small pieces of mirrors. There we go. All right. Thank you. Come and come.